जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे तथा बोर्ड एग्जाम में उससे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो संधारित्र को प्राय हम लोग दो प्रकार के क्रम में जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, एक जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो पहले आइए हम लोग इसके फार्मूलाज के बारे में जान लेते हैं। तो संधारित का जो साइन होता है इस प्रकार से होता है, दो तार आपस में इस प्रकार से समान रूप से जुड़े नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यह होता है संधारित का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला, क्योंकि हमें इस पे न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है तो हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो पहला क्या हो जाएगा, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हो। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। तो मान लीजिए एक संधारित्र हुआ, एक संधारित्र, एक संधारित्र, एक संधारित्र। श्रेणी क्रम क्या होता है, ऐसा क्रम जिसमें संधारित्र का पहला भाग बैटरी के धनात्मक भाग से तथा संधारित्र का दूसरा भाग दूसरे संधारित्र के पहले भाग से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा भाग तीसरे संधारित्र के पहले भाग से तथा तीसरे संधारित्र का अंतिम वाला भाग चौथे संधारित्र के प्रारंभिक भाग से तथा चौथे संधारित्र का अंतिम भाग बैटरी के ऋणात्मक भाग से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के क्रम को श्रेणी क्रम में जुड़ना कहते हैं। आप लोग एक बार फिर से जान लीजिए, अगर पहले संधारित का पहला भाग बैटरी के धनात्मक सिरे से, दूसरा भाग दूसरे संधारित के पहले सिरे से तथा उसका दूसरा भाग तीसरे संधारित के पहले सिरे से तथा उसका दूसरा भाग चौथे संधारित के पहले सिरे से तथा उसका दूसरा भाग डायरेक्ट बैटरी के ऋणात्मक भाग से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के क्रम को संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए। अब इसके लिए सूत्र क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 यह इसका फार्मूला होता है, +1/C4। इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में आपके प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं संधारित्र से। मान लीजिए इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3, इसकी धारिता C4 हो, तो इसके लिए सूत्र यह होता है, अगर अनंत संधारित्र जुड़े हो तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 ... 1/CN। या किसके लिए हो गया, अगर अनंत संधारित्र जुड़े हो तो यह हो गया। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, इसमें अगर समांतर क्रम में जुड़ा हो, दूसरा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में जुड़ा हो, समांतर क्रम में जुड़े हो, समांतर क्रम में जुड़े हो। तो समांतर क्रम कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक संधारित्र हुआ, एक संधारित्र हुआ, एक संधारित्र हुआ। अब यह समांतर क्रम में जुड़े हैं तो ये कुछ इस प्रकार से संयोजित होंगे। तो अब यहां से क्या होगा, बैटरी के धनात्मक व ऋणात्मक भाग से ये जुड़े रहेंगे। तो यह हो गया, मान लीजिए इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। तो यह क्या होता है, ऐसे संधारित्र जिसका पहला सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा दूसरा सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हो, तो संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम में संयोजन कहते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, C = C1 + C2 + C3। यह इसका फार्मूला हो गया। यह होता है प्रतिरोध का उल्टा, इसका सभी प्रकार के फार्मूले होते हैं। तो यह हो गया श्रेणी क्रम में जुड़े हो, या हो गया समांतर क्रम में जुड़े हो, और अगर इसमें यन प्रतिरोध जुड़े हो, अनंत प्रतिरोध जुड़े हो, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा C = C1 + C2 ... CN। तो इस प्रकार का इसमें फार्मूला हो जाएगा। तो नॉर्मली हम लोगों को इन्हीं फार्मूले को देखना है तथा अब हम लोग देखेंगे इस पर क्वेश्चन कैसे होता है। तो अब जैसे मान लीजिए
या फार्मूला मिल गया। अब इसके लिए हम लोग जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर इसके लिए एक फार्मूला बना रहे हैं, अगर कभी भी संधारित में अगर श्रेणी क्रम में दो संधारित जुड़े हो, श्रेणी क्रम अगर दो संधारित जुड़े हो तो इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला C बराबर होता है C1 × C2 + C1 + C2, यह डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे भी निकालेंगे तब पर भी यही आएगा, तो हमें इसे डायरेक्ट ध्यान देना है ताकि जो बोर्ड एग्जाम में हमारा आने वाला समय जो हमें समय मिले वह ज्यादा लॉस ना हो। यह कब लागू होगा? जब केवल दो कैपेसिटर जुड़े हुए हो। जैसे मान लीजिए यहां पर एक संधारित क्रिया हो गया, एक संधारित क्रिया हुआ, एक संधारित क्रिया हुआ तथा ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 अगर हम लोग ऐसे भी निकालेंगे 1/C1 + 1/C2 तो इसको ऐसे करेंगे 1/C बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे C2 + C1/C1 × C2, तो अब यह 1/C है। और अगर इसे C में करेंगे तो यह पलट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा C1 × C2 / C1 + C2, ऐसा कर सकते हैं ना। तो इसके लिए यहाँ पर वही फार्मूला आया, तो यहाँ पर हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना दिया है। तो इससे हम लोगों को जो हमारा एग्जाम में टाइम रहेगा उस हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे और जो हमारा टाइम है वह भी बच जाएगा। तो यह फार्मूला अगर दो संधारित जुड़े हो तो हमें यह अप्लाई करना है। अप्लाई आपके एग्जाम में हमेशा दो संधारित्र दिया रहता है, अभी आए मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी बताऊंगा। तो हमेशा इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डायरेक्ट यही फार्मूला लगाएंगे और तुरंत उत्तर ला देंगे। तो आइए अब हम लोग इसमें क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो अगर आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं इस पे। तो मतलब जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या हुआ, ऐसे तीन संधारित्र दे दिए, जैसे मान लीजिए इसकी धारिता हो गई 4 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 16 हो गया माइक्रोफेरड। अब पूछा इसके तुल्य धारिता बताइए, तो यह किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, दो है नहीं, नहीं तो हम लोगों वाला डायरेक्ट फार्मूला यूज करते C1 × C2 / C1 + C2, लेकिन यहाँ पर तीन है तो इसे हम लोग वैसे ही निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 का मान कितना दिया है 4, मान लीजिए C1 हो गया या C2 हो गया या C3 हो गया, C1 का मान कितना दिया है 4 प्लस 1/C2 का मान कितना दिया है 8 प्लस 1/C3 का मान 16। अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो पूरे का बटा हो जाएगा 16। अब यहाँ पर 4 है, 4 का कितनी बार गुणा करें कि 16 आ जाए, तो 4 × 16, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर 8 है, 8 × 2 = 16, तो यहाँ पर 2 बार आएगा तो ऊपर हमेशा 2 का गुणा प्लस। अब यहाँ पर 16 है, 16 × 16, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 2 = 6 बराबर 7/16। यह क्या आ गया 1/C बराबर 7/16। अब हमें क्या निकालना है, सी का मान निकालना है, तो यह ऊपर चला जाएगा तो यह भी ऊपर चला जाएगा, यह नीचे चला जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा 16/7। यह हो गया इसका तुल्य धारिता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके प्राय बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक संधारित क्रिया हुआ, एक संधारित क्रिया हुआ, और अब यहाँ पर क्या पूछा, तुल्य धारिता पूछ रहा है। अब मान लीजिए इसका मान दे दिया 8 μF, यहाँ पर इतना हो जाएगा 16/7 μF, यहाँ पर दे दिया 8 μF, यहाँ पर दे दिया 9 μF और यहाँ पर दे दिया 3 μF। तो अब हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें नॉर्मल फार्मूला पता है, C बराबर हो जाएगा C1 + C2 + C3। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C1 का मान कितना है 8, C2 का मान 9, C3 का मान 3, तो C बराबर कितना हो जाएगा 9 × 3 = 12, 12 × 8 = 20, तो कितना हो जाएगा 20 μF, तो यह हो जाएगा इसका मान। तो आशा करते हैं अगर आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन मिले श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में तो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो अब आइए हम लोग मिश्रित क्रम देखते हैं, श्रेणी क्रम भी रहेगा और समांतर क्रम में भी रहेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। यह भी प्रायः इनका मतलब समय ही है इस प्रकार के क्वेश्चन का पूछना। तो आइए अब हम लोग समांतर क्रम में देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, यह पूछा गया था आपके यूपी बोर्ड
2020 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी बोर्ड 2020 में। तो अब इसमें क्या होगा, इस प्रकार से दिया है तो हम लोग इसमें पहचानेंगे ये वाला ये तीनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम वाले को पहले हल करते हैं, यहां से ये दोनों समांतर क्रम में है तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, 9+1=10 माइक्रोफेरड। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम का फार्मूला होता है C=C1+C2 और यहाँ पर दो संधारित्र है तो एक का मान हुआ 9, एक का मान हुआ 10, मिलकर कितने हो गए 10 माइक्रोफेरड। अब आइए हम लोग नेक्स्ट संरचना को बनाते हैं, इसके नेक्स्ट चित्र को बनाते हैं। तो अभी इससे जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में और यह डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 220 वोल्ट के संभरण से जुड़ जाएगा। यहाँ पर इसका कुंजी हो गया और यह जुड़ गया 220 वोल्ट, यह हो गया। अब इसका मान कितना हुआ, इसका मान हुआ 4, इसका मान हुआ 10, 2 इसका मान हुआ 10, इसका मान हुआ 4। तो अब यह सभी किस में जुड़ गए, श्रेणी क्रम में। तो आइए श्रेणी क्रम में निकालते हैं। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C=1/C1। C1 की जगह यहाँ पर है 4, मान लीजिए यह C1 हो गया या C2 हो गया या C3 हो गया या C4 हो गया। तो अब यहाँ पर C1 है, C1 की जगह पर यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4+। अब यहाँ पर C2 है, C2 का मान है 2, तो वहां पर हो जाएगा 1/2। यहाँ पर फिर कितना है, 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 प्लस अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4। तो अब हम लोग इसे जोड़ देंगे 1/5C=, पूरे का एलसीएम निकालेंगे, पूरे का एलसीएम निकालेंगे। तो अगर इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 4 × 8 = 80। तो दोस्तों अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 20, तो यहां पर कितना हो जाएगा, कितनी बार गुणा करें कि 20 आ जाए, तो 4×5=20, तो यहां पर हो जाएगा 5 प्लस यहां पर है 2, 2 का कितनी बार गुणा करें कि 20 आ जाए, 10 बार, तो यहां पर हो जाएगा 10 प्लस यहां पर है 10, 10 का है 2 बार गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, यहां पर है 4, 4 का 5 बार गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो टोटली कितना आएगा, 10 × 5 = 15, 15 × 2 = 17, 17 × 5 = 23, तो यहां पर हो जाएगा 23/20। तो अब यहां पर है 1/C=23/20, तो C कितना हो जाएगा 20/23 माइक्रोफेरड। यह इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शनल क्वेश्चन था, 20/23 दिया था। तो सोचिए एक नंबर बिना इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा, अगर इसमें है ही क्या, आसानी से इसे 2 मिनट में निकाला जा सकता है, अगर आप लोग समझ गए तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें अब हम लोग अलग क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए, तो दोस्तों जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको यहां पर मिला, या भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में यूपी बोर्ड 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसमें देखिए ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में, ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पर श्रेणी क्रम में है, और दोस्तों आप लोग याद कीजिए अगर श्रेणी क्रम में दो संधारित्र हो तो इसके लिए सूत्र क्या है, C1 × C2 / C1+C2। तो यहां पर कितने हैं, दो संधारित्र है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 × 5 / 2+5 = 10/7, और यहां पर भी वही होगा, तो यहां पर भी हो जाएगा 10/7। आसानी से निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 दिए हैं, तो आसानी से हम लोग निकाल देंगे। अब आइए इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे अगर हम लोग, तो नेक्स्ट में या कुछ इस प्रकार से बनेगा, या कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि वे सभी श्रेणी क्रम में थे, अब ये सभी जुड़ करके किस में आ जाएंगे, समांतर क्रम में, और यहां पर जाकर के बैटरी से जुड़ जाएगा। अब इसका मान कितना है, इसका मान है 10/7 माइक्रोफेरड, माइक्रोफेरड, इसका भी मान है 10/7 माइक्रोफेरड। अब ये किस में है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, C=C1+C2, तो C यहां पर कितना है, 10/7 + 10/7, तो कितना हो जाएगा, C=20/7, या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शनल क्वेश्चन यह भी था,
तो यहाँ पर ऑप्शन दिया था 20/7, तो यह वहां पर सही था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अब आइए हम लोग कंपटीशन लेवल के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए उसे हम लोग हल करते हैं। कंपटीशन दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपटीशन लेवल के एग्जाम के बारे में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, तो आइए पहले क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, फिर इसके बाद इसे हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, प्रायः दोस्तों हम आपको बता दें यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लायक नहीं है, यह सभी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रायः इस प्रकार के क्वेश्चन नीट जेई इत्यादि वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आइए इसे हल करते हैं, जब सब कुछ मिल ही रहा है तो छोड़े क्यों। तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या दिया है, 16 माइक्रोफेरड, यहाँ पर 4 माइक्रोफेरड, यहाँ पर है 8 माइक्रोफेरड, और यहाँ पर है 2 माइक्रोफेरड, और बीच में से यहाँ पर जुड़ा है एक, इसका मान नहीं दिया है। तो दोस्तों अब आइए इसे हम लोग कैसे हल करते हैं, आइए हम लोग इसे जानते हैं। तो इसे हल करने के लिए देखिए पहले या किसमें किस प्रकार के क्रम में दिख रहा है, आप लोगों को एक क्रम याद आ रहा होगा अभी इंटर का है, यह जुड़ा है विहित स्ट्रेंथ हेतु के रूप में, विहित स्ट्रेंथ हेतु के रूप में। तो यहां पर क्या होगा, इसमें अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है आप सभी को, तो इसमें क्या करना है, क्योंकि अभी तो मिलने वाला नहीं है, जब आप लोग बोर्ड एग्जाम के से भी हाई लेवल की पढ़ाई करेंगे तो इसमें मिलेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन श्योर है मिलेगा। तो आप लोग जानते रहेंगे पहले से ही, तो आसानी से हल कर लेंगे। तो यह आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक है स्थानधारित्व पे, ज्यादा कठिन नहीं, अभी देखिए कैसे आएगा, बस समझना है, माइंड लगा के समझना है, पूरा समझ में आएगा, विश्वास करो। तो अब देखिए अगर यहां पर इस प्रकार से दिया है, तो हमेशा हमेशा इसमें जो बीच वाला संधारित्र होता है इससे कोई मतलब नहीं होता, हमेशा इसे छोड़ देते हैं। कभी भी अगर अगर यह कभी भी विहित स्ट्रेंथ हेतु के रूप में जुड़ा है, और अगर बीच वाला कोई भी इस प्रकार से संधारित्र दिया है, चाहे उसका मान चाहे जो भी हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें हमेशा उसे काट देना है। तो इस वाले को काट देना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल किनारे किनारे पर, हमेशा दोस्तों हमेशा यह नियम हमेशा लगेगा। तो अब आइए इसे हम लोग हल करते हैं। तो अब यहां पर देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में आपके बोर्ड एग्जाम के जैसा बन गया, जो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर दो श्रेणी क्रम में है, तो इसके लिए मैंने सूत्र आपको क्या बताया था, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2×8/2+8=16/10, काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 16, 2 से काटेंगे तो 2×8=16, और यहाँ पे 2×5=10 बराबर हो जाएगा 8/5, और यहाँ पर क्या दिया है 16/4, 16, तो अब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 16×4/16+4, तो बराबर 16×64+16=4=20, तो इसे भी 2 से काट देंगे, 2×3=6, 2×2=4, 2×1=2, 2×0=0, फिर 2 से काट देंगे, 2×1=2, 2×6=12, यहाँ पे 2×5=10 बराबर हो जाएगा 16/5। तो अब इसका नेक्स्ट क्रम क्या होगा, तो नेक्स्ट क्रम में ये जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम में नहीं समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे इस प्रकार से, तथा इस प्रकार से ये जुड़ जाएंगे। तो अब यहां पर क्या हुआ, इस प्रकार से ये जुड़ जाएंगे, इसका मान कितना हुआ, वहां से निकला 8/5, इसका मान कितना हुआ, यहां से मिला 16/5। अब कैसे में हो गई है, ये हो गए समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, C=C1+C2, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C1 का मान कितना है 8/5+C2 का मान कितना है 16/5, तो जोड़ देंगे इसे, तो C बराबर कितना हो जाएगा 16×8=24/5, तो यह हो गया मान संधारित का, यही पूछा गया था, सोचिए नीट जैसे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे आसानी से लगा लेंगे, आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, आइए हम नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।
तो दोस्तों अब आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सवाल दिया है यहां पर है, ए तथा तीन संधारित्र जुड़े हैं, एक संधारित्र, दो संधारित्र, तीन संधारित्र यहां पर हुआ बी, तथा एक यहां से जुड़ा है ऐसे, और एक यहां से जुड़ा है ऐसे। तो दोस्तों आप आइए देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, टफ नहीं है। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए, यहां पर ए है, यहां पर ए है, तो इससे जो प्रवाहित होने वाली धारा है वह ए होगा, तो यहां पर भी ए होगा, तो ए वाली धारा इस तार के द्वारा यहां पर भी जा रहा है ना, तो यहां पर भी ए धारा प्रवाहित होगा। समझ में आ रहा है ना, यहां से गई धारा, अभी इससे मान लीजिए ए धारा प्रवाहित हो रही है, तो यह ए धारा यहां पर भी जाएगी इस तार के द्वारा, यहां पर भी जाएगी ना, तो यह हो गया ए। और यहां पर है बी, तो यहां पर भी हो जाएगी बी धारा, अब बी धारा इसके द्वारा प्रवाहित होते हुए यहां पर चली आएगी, तो यहां पर हो जाएगी बी। यह है क्वेश्चन हल करने का मेथड, टफ नहीं है दोस्तों। देखिए अब यहां से धारा प्रवाहित होगा, ए के रास्ते होते हुए इधर आएगा, यहां पर भी ए होगा, यहां से होते हुए यहां पर भी आएगा, यहां पर भी बी होगा। तो अब यह नेक्स्ट आगे कैसे हल होगा, तो अब देखिए ए बी बी ए बी, अब एक बिंदु हम लोग लेते हैं यहां पर ए, एक बिंदु लेते हैं बी। देखिए दोस्तों यह मेथड आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बहुत ही अच्छा है, बस आपको समझना है, समझने से सब कुछ आ जाएगा। तो अब यहां पर ए है, यहां पर बी, अब देखिए ए व बी के बीच में एक संधारित्र, तो यहां पर हो जाएगा एक संधारित्र, हम लोग इस प्रकार से बना लेंगे। फिर से ए व बी के बीच में एक संधारित्र, तो आप लोग सोचिए फिर से यहां पर इसके ऊपर तो बनाया नहीं जा सकता, तो मतलब ये कौन से क्रम में होगा, समांतर क्रम में बोल रहा है, तो फिर ये ऐसे जुड़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन खुद ही कह रहा है ए व बी के बीच में, तो ए व बी के बीच में इसके ऊपर नहीं होगा, मतलब इससे पता चल जाएगा समांतर क्रम में क्वेश्चन कह रहा है। फिर से देखिए ए व बी के बीच में, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए व बी के बीच में हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए व बी के बीच में, ए व बी के बीच में मतलब समांतर क्रम में। अब इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है दो दो दो, तो यहां पर भी हो जाएगा दो दो दो, तो अब यह किसमें हो गया, समांतर क्रम में हो गया। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, सी बराबर C1 + C2 + C3, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी वन का मान 2 + 2 + 2, सी बराबर कितना हो जाएगा 6। यह हो गया आसानी से इसका आंसर, बस क्वेश्चन को हमें समझना है बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया। और अगर अब आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या है, यह भी शायद ऐसा ही है, हाँ इसमें चार संधारित्र दिए हैं, तो आइए कोई बात नहीं, हम लोग हल करते हैं, हल करना हमारा काम ही है। तो यह हो गया, यहां से एक जुड़ा है कुछ इस प्रकार से, और एक यहां से जुड़ा है, और यहां पर है बी, यहां पर है ए। तो दोस्तों देखिए अब यहां से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, ए, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए, तथा इसी के थ्रू होते हुए यहां पर भी धारा ए प्रवाहित होगा, तो यह हो गया ए, और यहां पर धारा प्रवाहित होगा बी। लेकिन अब बी धारा इसके आगे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर इसके बीच में गैप है, और गैप में धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो धारा बी केवल यहीं तक रहेगी। अब इसके इधर हम लोग अपने मन से कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने माना यहां पर सी धारा प्रवाहित हो रही, अपने मन से माना है, कुछ भी इसमें नहीं करना है, तो यहां के रास्ते से होते हुए सी धारा इधर तक चली आएगी, तो यहां पर भी सी हो जाएगा, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन को मेथड के द्वारा आसानी से हल करना है, तो इसके लिए हमें यह टेक्निक अपनाना पड़ेगा। अब यहां पर तो तार था ए में जुड़ा था, यहां से तो ए के द्वारा आसानी से प्रवाहित हो गया, लेकिन बी वाले में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं था, तो बी वाला धारा यहीं तक प्रवाहित हो रहा है, तो हमने इसे अपने मन से मान लिया हमने कि यहां पर सी धारा प्रवाहित हो रहा है, तो सी धारा इस तार के द्वारा होते हुए यहां तक चली आई है। तो अब हम लोग इसे कैसे हल करेंगे, तो अब हम लोग तीन बिंदु लेते हैं,
ए सी और बी। मान लीजिए यहां पर हमने ले लिया ए ले लिया, और यहां पर हमने ले लिया बी ले लिया, और यहां पर हमने क्या ले लिया सी ले लिया। तो अब देखिए ए व सी के बीच में संधारित्र, ए व सी के बीच में संधारित्र एक संधारित्र हो गया। फिर से सी और ए, मतलब ए व सी के बीच में फिर से संधारित्र, तो फिर से ए व सी के बीच में संधारित्र। तो दोस्तों याद करिए यह कौन सा क्रम बता रहा है, यह कह रहा है समांतर क्रम। तो फिर से इस प्रकार से इसमें हो जाएगा, फिर से कह रहा है ए व सी के बीच में, तो फिर से हम लोग इसमें इस प्रकार से जोड़ देंगे ए व सी के बीच में। अब क्या कह रहा है सी व बी के बीच में, तो सी व बी के बीच में एक संधारित्र यहां पर जुड़ जाएगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। अब यह एकदम आसान हो गया, ऐसे था थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने मेथड के द्वारा उसे समझा, आसानी से समझा और एकदम आसान हो गया। अब यह तो हल करने लायक हो गया है। अब इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है दो दिया है, इसका एक दिया है, इसका तीन दिया है, इसका चार दिया है। तो अब ए व सी के बीच में दो, ए व सी के बीच में एक, ए व सी के बीच में तीन, और इसका मान चार। तो अब आइए हम लोग इसे हल करते हैं। तो यह हो गया, अब इसे हल करेंगे यह कौन से क्रम में है, तो यह हो गया समांतर क्रम में। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, सी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C1 का मान है दो, C2 का मान है एक, C3 का मान है तीन। तो कितना हो जाएगा C बराबर दो एक तीन तीन छह, C बराबर छह। अब इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अब इसका यहाँ पर क्या हो गया A हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया B हो गया। ए बी के बीच तुल्य संधारित्र की मान पूछा था, तो अब यह हो गया। अब इसका मान कितना है छह हो गया, इसका मान चार। तो अब यहाँ पर दो संधारित्र है, श्रेणी क्रम में अगर कभी भी दो संधारित्र जुड़े हो, दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था हमेशा अधिकांश करके दो संधारित्र वाला पूछता है। तो देखिए दो संधारित्र वाला कंपटीशन लेवल का एग्जाम है, लेकिन आप लोगों के समझ में आ रहा है सोचिए। तो अब यहाँ पर दो है, इसके लिए सीधा फार्मूला C1 into C2 upon C1 plus C2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुणे 4 upon 6 plus 4, तो 6 चौक 24 upon 10, इसे काटेंगे दो इकनम दो, दो दूना चार, दो पंजे दस, 12 बटा पांच, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आसानी से एकदम दोस्तों, एकदम आसानी से निकल गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब आइए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब हमारा चौथा सवाल है, चौथे सवाल में छह संधारित्र हैं। तो पहले हम लोग छह संधारित्र बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छह। अब यहां से क्या जुड़ा है दो, इस प्रकार से इसका मान कितना है दो चार, चार दो तीन एक। फिर इसके बाद यहां से यहां पर, फिर यहां से यहां पर, यहां पर हो गया B, यहां पर हो गया A। तो दोस्तों अब आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो यहां पर देखिए A है, तो यहां से A धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यहां पर हो जाएगा A, तथा यही धारा होते हुए यहां पर चली आएगी, तो यहां पर भी हो जाएगा A। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर यहां पर धारा केवल यहीं तक प्रवाहित होगी, और यहां पर केवल यहीं तक प्रवाहित होगी, इसके और इसके बीच में नहीं होगी। तो यहां पर हम लोग अपने मन से कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने माना यहां पर धारा प्रवाहित हो रहा है सी, तो यह धारा इस तार के माध्यम से होते हुए यहां पर चली आएगी, यहां पर हो गया सी, तथा फिर से इसी तार के माध्यम से यहां पर चली आएगी, क्या हो गया सी, और यहाँ पर बी धारा प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए, सी, ए। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए इस तार के बीच में किसी भी प्रकार का, इस संधारित्र के बीच में किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं किया गया है। तो हमेशा अगर जिसमें दो खाली मिले, जिसमें कनेक्शन ना हुआ हो, इसे हम लोग काट देते हैं हमेशा। जैसे भीट स्टेंस में अगर इस प्रकार का दिया हो तो हमेशा इसे काट देते हैं, तो ऐसे इसमें अगर इस प्रकार से दिया रहता है तो हमेशा इसे काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो धारा ही प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ काट देंगे। तो अब बचा क्या, ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो अब आइए हम लोग बिंदु मानते हैं ए व बी, हमेशा ए बी को सामने रखते हैं, यह हो गया ए, यह हो गया बी। अब यहां पर सी मान लेते हैं,
तो अब देखिए क्या होगा, ए व सी के बीच में एक संधारित्र, यह हो गया। फिर ए व सी के बीच में एक संधारित्र, फिर से देखिए दोस्तों यहां पर समांतर क्रम हो रहा है, फिर ए व सी के बीच में फिर से एक संधारित्र। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन अपने मन से नहीं बनाया हूं, सब मतलब मैं पढ़ाई करता हूं नीट के लेवल का, नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो उसमें जो हमारा मॉड्यूल था उसमें इस प्रकार के सभी क्वेश्चन दिए हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को मैं आपको हल करा रहा हूं। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ए व सी के बीच की मान 2, ए व सी के बीच का मान 4, ए व सी के बीच का मान 4। अब क्या दिए, सी व बी के बीच, क्योंकि इसे छोड़ देना है, इसमें किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है, तो सी व बी के बीच में 1 हो जाएगा। तो अंत में देखिए दोस्तों इस प्रकार से बना, थोड़ा इसे बड़ा बनाते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा। मान लीजिए यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी। अब समझ में आएगा, ए व सी के बीच में छोटा हो जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। और क्या है, सी व बी के बीच में एक, ये हुआ। अब यहां पर इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 4 और इसका मान 1 दिया है। तो दोस्तों देखिए यहां पर ये तीनों किसमें है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला सी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, सी का मान बराबर क्या, सी वन का मान 2 प्लस 4 प्लस 4, तो C बराबर कितना हो जाएगा 10, C बराबर क्या हो जाएगा 10। अब इसका मान है 1, अब इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। अब ये किस क्रम में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, यहां पर हो जाएगा V, यहां पर हो जाएगा A। अब इसका मान कितना है, इसका मान हो जाएगा 10, इसका मान 1। तो देखिए दोस्तों फिर से वही रूल अप्लाई हो रहा है, दो संधारित, सीधा फार्मूला लगाएंगे, 10 गुणे 1 बटा 10 प्लस 1 बराबर 10 बटा 11। तो इसका जो संधारित्र की धारिता हो गया वह हो गया 10 बटा 11, यह हो गया इसका आंसर। देखिए दोस्तों किस प्रकार से इतने हाई लेवल का क्वेश्चन सिर्फ मेथड के द्वारा आसानी से हल हो रहा है, तो आप लोग इसे लिख लीजिए। अब आइए हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों का पांचवा क्वेश्चन क्या है, पहले 3 संधारित्र दिया है, मान लीजिए यहां पर हो गया ए, हो गया यहां से 3 संधारित्र जुड़ा है, 1 2 3, यह हो गया बी। अब यहां से 1 संधारित्र जुड़ा है और यहां से 1 संधारित्र जुड़ा है और फिर यहां से 1 संधारित्र जुड़ा है, बस। अब देखिए दोस्तों यहां पर यहां से कौन सी धारा प्रवाहित होगी, तो यहां से एक धारा प्रवाहित होगी, यहां पर ए प्रवाहित होगी, फिर यहां पर जाकर के धारा रुक जाएगी, यहां पर धारा आगे जा ही नहीं पाएगी क्योंकि बीच में गैप है। तो हम लोग यहां पर मान लेंगे कुछ अपने मन से, जैसे मान लीजिए हमने सी माना, तो ऐसे ही यहां पर बी धारा प्रवाहित होगा और यहां पर धारा जाकर के रुक जाएगी, आगे जा ही नहीं पाएगी। तो हमने मान लिया यहां से धारा प्रवाहित हो रहा है डी, तो डी धारा यहां तक जाएगी, बी धारा यहां तक आएगी, सी धारा यहां तक जाएगी, ए धारा यहां तक रहेगी। बस हमें धारा के द्वारा मेथड को प्राप्त करना है। तो आप इसमें कितने बिंदु मिले, ए डी सी बी, मतलब 4 बिंदु मिले। तो इसका क्वेश्चन ऐसे लगेगा, यहां पर ए बी को हमेशा सामने रखते हैं, या हो गया ए या हो गया बी, हमेशा इसे सामने रखेंगे। तो और यहां पर मान लेते हैं यहां पर हो गया सी और यहां पर हो गया डी, तो यह हो गया डी। आप देखिए ए व डी के बीच में एक संधारित्र, ए व डी, तो ए व डी कहां पर हुआ, यहां पर, तो इसके बीच में एक संधारित्र लगा देते हैं। पहले इसका मान लिख लेते हैं, इसका मान 2 सी, तो सबका 2 सी ही है। चलिए अब यहां पर ए डी, अब डी और सी के बीच में देखिए एक है, तो डी व सी के बीच में यहां पर एक संधारित्र हो गया। देखिए बिंदु बनाने से सब कुछ आसान हो रहा है। अब सी व बी के बीच में एक है, अच्छा यहां से लेकर के यहां तक के बीच में एक है, फिर सी व बी के बीच में एक हो गया, बस।
अब यहां पर देखिए ए व सी के बीच में एक है, ए व सी के बीच में, इसके बीच में एक है, बस चार संधारित्र, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार। अभी एक और है, ए व डी के बीच में हुआ, डी व सी के बीच में हुआ, सी व बी के बीच में हुआ, हाँ अभी एक यहां है डी व बी के बीच में, यहां पर सबका मान टू सी, टू सी, टू सी, टू सी, टू सी। दोस्तों आपको एक रूल याद आ रहा है, इसे हमेशा कट कर देते हैं क्योंकि यह बिहिट स्टेंस युद्ध के क्रम में आ गया। जैसे हमने यहां पर कट किया था सेम वही वाला तो संरचना बना, वही संरचना है। अब इसे हम लोग कट कर देंगे, अब आइए इसे हम लोग आगे हल करेंगे। तो ये दोनों देखिए टू सी, टू सी कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो हमेशा दो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो हमेशा फार्मूला यूज करेंगे टू इंटू टू अपॉन टू प्लस टू बराबर चार बटा चार बराबर वन सी, यही फार्मूला यहां पर दो, ये दोनों श्रेणी क्रम में ना, देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ऐसे मान लीजिए, नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसे ये दोनों श्रेणी क्रम में, फिर ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, क्योंकि देखिए इसका दूसरा सिरा पहला सिरा सीधा ए सिरे से जुड़ा है, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है, इसका दूसरा सिरा बी से जुड़ा है ना, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हुए, तो ऐसे इनको भी हम लोग हल कर लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दो गुणे दो अपान दो प्लस दो बराबर चार बटा चार बराबर वन सी, इसका भी वन सी मिला, इसका भी वन सी मिला, तो अंत में अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे जुड़ करके, तो क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहां पर बिंदु हो जाएगा ए, यहां पर हो जाएगा बिंदु बी, और यहां से संधारित इस प्रकार से इससे जुड़े रहेंगे, इस प्रकार से, इसका मान हुआ वन सी, इसका मान हुआ वन सी, तो अब सी बराबर फार्मूला हो जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो C बराबर हो जाएगा C1 का मान 1 प्लस 1, C बराबर हो जाएगा 2C, या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने एकदम आसानी से हल कर लिया मेथड के द्वारा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आया होगा। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।